प्रेस ब्रीफिंग लेने का मेरा मकसद ये है, पाम बीच रोड जो है वो पाम ट्रीज के ऊपर नाम रखा गया है। इन्वायरमेंट को देखते हुए काफ़ी खूबसूरत नेचर था हमारा नवी मुंबई, लेकिन वो नवी मुंबई में पब्लिक बढ़ती गई, उस हिसाब से होर्डिंग्स भी बढ़ती गई एडवर्टाइजमेंट की। अब जैसे जैसे होर्डिंग बढ़ती गई तो हमारे पाम ट्रीज में कीड़े लगने लग गए, कीटाणु लगने लग गए। अब वो कीटाणु उसी जगह लगती है जिस जगह पे होर्डिंग्स आती है। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वहीं कीटाणु लगती है, और पिछले 5 साल से सिर्फ कीटाणु लग रहे, पेड़ कट रहे और होर्डिंग्स आती जा रही है। अब सबसे बड़ी सोचने की बात ये है कि पाम बीच रोड एक्सीडेंट प्रोन जोन है, लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं, बिना होर्डिंग जब नहीं थे जब भी एक्सीडेंट हो रहे थे, और ड्राइविंग फास्ट हो ही जाती है लोग, क्योंकि ये पाम बीच का रोड का कंडीशन हमको पता है। मुंबई से कुछ लोग आते हैं उनको इधर का कंट्रोल नहीं होता है, वो गाड़ी उस हिसाब से दौड़ाते हैं। अब हर 300 मीटर में एक आप होर्डिंग लगाओगे, 400 मीटर में होर्डिंग लगाओगे तो ड्राइवर का विजन तो जाएगा और उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि होर्डिंग तो दिया दिया, अब NMC ने एक टेंडर निकाला ई टॉयलेट। अब ई टॉयलेट में क्या सुविधा है कि आप टॉयलेट बना के दो और उस पर होर्डिंग यूज़ करो। अब होर्डिंग जो है टॉयलेट की कॉस्ट बनाने की इनको कितनी आई होगी, हार्डली 20-25 हज़ार रुपया। अब होर्डिंग मंथली ये लोग कितने में बेच रहे, 2.5 लाख रुपये में। अब 2.5 लाख रुपये की रेवेन्यू NMC को कुछ नहीं मिलती है, एजेंसी को मिल जाती है 2.5 लाख रुपये की रेवेन्यू। अब 2.5 लाख रुपये की वो रेवेन्यू लेता है और वो पब्लिक टॉयलेट मेंटेन नहीं करता। ये पब्लिक टॉयलेट की हालात है, ये सानपाड़ा में ही टॉयलेट है, इसकी ये हालात है। अब ये टॉयलेट में एक फीमेल कैसी जा सकती है, लेडीज़ कैसी जा सकती है इस तरीके का? अगर मनपा मैनेज कर रही है तो ये पैसा क्यों कमा रहा? अब स्वच्छ भारत अभियान वो सिर्फ 2 महीने के लिए था, 2 महीने के बाद ये पब्लिक टॉयलेट ये कौन यूज़, कौन देखेगा इसमें? एक फीमेल तो छोड़ो, मेल नहीं जा सकता इसके अंदर। इस हालत में सानपाड़े का ई टॉयलेट है, ये 3 दिन पहले की पिक्चर है। मान लेते चलो मनपा ने इनको टेंडर भी दे दिया, इन लोग ने मैनेज किया, टेंडर बनाया। अब हर ई टॉयलेट जो है वो सिग्नल के पास है। अब सिग्नल के पास कौन आदमी अपनी गाड़ी खड़ा करके टॉयलेट जाएगा? कोई भी आदमी उधर जा नहीं सकता है टॉयलेट में, सिग्नल के पास ट्रैफिक लग जाएगी। आपने प्रॉपरली वो सिग्नल के पास होर्डिंग इसलिए लगाया क्योंकि आपका कमर्शियल इंटरेस्ट था, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था उसमें। पब्लिक इंटरेस्ट होता तो आप थोड़ी देर पहले बनाते या आगे बनाते टॉयलेट, और टॉयलेट बनाते पूरे पाम बीच में कहीं भी उसकी मार्किंग नहीं है कि ये टॉयलेट है यहाँ पर। वो एंड में आके बहुत बड़ी होर्डिंग है और छोटा सा ई टॉयलेट लिखता है, तो आदमी जो फोर्स में जाता है वो ई टॉयलेट तो देखेगा ही नहीं। किस तरीके का NMC ने टेंडर चेंज किया, 20x10 का दिया, फिर 20x30 का दिया, 20x40 का दिया, इस तरीके के है। महानगर पालिका ने टेंडर देते टाइम इनसे कहा कि ये ब्यूटिफिकेशन करना है आपको ई टॉयलेट के पास। इन्होंने ब्यूटिफिकेशन क्या किया, कुदरत ने किया, इन्होंने कुछ भी ब्यूटिफिकेशन नहीं किया। पूरा लाओ ब्यूटिफिकेशन, ये इनके होर्डिंग्स की हालत है। दिस इज ब्यूटिफिकेशन ऑन पाम बीच रोड। पाम बीच रोड इतना खूबसूरत रोड है, यहाँ इन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया है। ब्यूटिफिकेशन, आर्टिफिशियल झाड़ उठ गए, घास उठ गए, जहाँ पर सांप बिच्छू सब आ सकते हैं, इंसान नहीं जा सकता वॉशरूम में, लेकिन होर्डिंग की पब्लिसिटी प्रॉपरली दिख रही है। होर्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर कौन सा है, कमर्शियल मीटर है मैक्सिमम जगह पे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइजमेंट मीटर आता है जिसका पर यूनिट का रेट होता है 20 रुपया 77 पैसा, 20 रुपीज़ 77 पैसा, ये महावितरण का रेट है। इतने सालों से यहाँ होर्डिंग चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, रेट भर रहे हैं लोग 11 रुपया कमर्शियल रेट। अब हमारा और आप लोगों का घर में, हम 2 महीना अगर बिल लेट हुआ, कोविड पीरियड में काफ़ी लोगों के घर में लाइट नहीं भर पाए, काम नहीं था, लेकिन महावितरण वहाँ आ गई आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी काटने के लिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट गई, महावितरण ने आके काट दिया। लेकिन महावितरण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
ये एडवर्टाइजमेंट में जाके चेक नहीं कर रहा है कि इन लोग ने कौन सा लगाया। अब बातें और ये है कि जो भी होर्डिंग लगती है, आज हमारा घर है या आपका घर है, कहीं भी सिट को कोई बिल्डिंग बनाती है तो हर 2 या 3 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट लेती है। स्ट्रक्चरल ऑडिट मीन्स वो परफेक्ट कंडीशन में है कि नहीं। ये जितनी होर्डिंग्स बनी है एक में भी स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ है। कोई भी मनपा ने, कोई भी आप देखेंगे महानगर पालिका ने, इनको सिर्फ इनकम चाहिए, ऑफिसर को इनकम चाहिए, ऑफिसर ने इनकम लिया, और कुछ गिने चुने एजेंसी है, सिर्फ 2 या 3 ही एजेंसी पूरे नवी मुंबई में पब्लिसिटी है ना। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है लेकिन वो नवी मुंबई में नहीं है भाई। ब्राइड आउटडोर बड़ी बड़ी एजेंसी है, नेशनल लेवल की एजेंसी है, लेकिन हमारे नवी मुंबई में तो 2 या 3 ही एजेंसी है। अब वो समझ में नहीं आ रही है 2 या 3 एजेंसी को ही सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिल रहे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। अब ये लोग कमर्शियल मीटर भी नहीं भर रहे फिर भी इनको किसका सपोर्ट है, किसका हक हाथ सर पर है कि भाई 20 रुपये का तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके 11 रुपये का कमर्शियल भर रहे हो। वो होने के बाद और एक बड़ा मुद्दा है, अभी NMC ने जितनी इंडस्ट्रीज है उनको नोटिस मारा है कि हम तुमको सील कर देंगे, तुमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, और जाके इनका बहुत अच्छे से कायदे से चल भी रहा है हिसाब किताब, इन लोग सील भी कर रहे हैं, कंपनी को टेररिज भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को। अब मेरा कंसर्न ये था और हमारा सबका कंसर्न ये है कि कोविड पीरियड में अगर हम इंडस्ट्रीज को बंद कर देते हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है तो जॉब कौन देखेगा, जॉब तो कोई देख ही नहीं रहा है, सबको प्रॉपर्टी टैक्स ले, जिसकी कीमत ये लोग चार्ज करते हैं 10 लाख रुपये पर मंथ। ये टेंडरिंग हुआ है MSRDC से इसकी टेंडरिंग हुई है, इसको एडवर्टाइजमेंट टैक्स NMMC को जाना चाहिए। इसको हो गया 5 साल, 1 महीने का एडवर्टाइजमेंट टैक्स NMMC को 2 लाख रुपये आना मांगता है, साल का 24 लाख रुपये आना चाहिए, 5 साल का 1.20 करोड़ लगाना चाहिए। ये श्री वासी टोल का बोल रहा हूँ, एरोली टोल पे भी सेम है। NMMC ने आज तक वो टैक्स वसूल नहीं की इस एजेंसी से। उनसे जब मैंने पूछा, उनके अधिकारी को उससे पूछा कि भाई क्या वजह है आप ये टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो, आप इंडस्ट्री को बंद कर रहे हो, अच्छी बात है आप इंडस्ट्री को बंद कर रहे हो, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा ऐसा। हालांकि उनका भी केस चालू है सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी निकाल भी आया नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्योंकि 2 एजेंसी है, MIDC भी एक एजेंसी है, दूसरी NMMC भी है, तो वो लोग कन्फ्यूज है, MIDC को भी दे रहे हैं और NMMC को भी दे रहे हैं, तो उन पर उन लोग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये जो पैसा 1.20 करोड़ रुपया, 2 जगह का 2.40 करोड़ रुपया, वो NMMC ने पैसा क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने बोला हमने MSRDC को नोटिस मारा है। तुमने MSRDC को नोटिस मारा है लेकिन जो वहाँ पर बिजनेस कर रहा है, जो कर रहा है, उस पर एक्शन क्यों नहीं किया, उसको सील क्यों नहीं किया, उसका होर्डिंग क्यों नहीं बंद किया, वहाँ पर तो वो चल रहा है प्रॉपर तरीके से, चल रहा है बिजनेस, कमा रहा है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है। आज प्रॉब्लम ये है कि नवी मुंबई, लोग बोलते हैं कि कुछ जगह जंगल राज बनता, मैं बोलता हूँ हमारी नवी मुंबई होर्डिंग राज हो गई है। अब बहुत बड़ा इश्यूज आप लोगों को पता होगा, पाम बीच रेसिडेंसी तो सब जानते होंगे, वाधवा। अब वाधवा में OC क्यों नहीं मिले, OC नहीं मिलने का वजह है वाधवा में क्योंकि वो पर्यावरण में फिट नहीं बैठा, CRZ का कुछ इशू आ गया, CRZ की वजह से NOC नहीं मिल रही है, नगर पालिका उनको NOC नहीं दे रही है। अब वाधवा तो काफ़ी टाइम हो गया बन के, मैंग्रोव का कुछ इश्यूज है, तो वाधवा के आगे एक होर्डिंग आती है, ये होर्डिंग है वाधवा के आगे। अब क्या इस होर्डिंग को CRZ का NOC होना चाहिए, पर्यावरण का NOC होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों बिल्डिंग को अगर आप परमिशन नहीं दे रहे हो, उसके अंदर रेसिडेंशियल रह रहे हो जो कि और भी अंदर पे है, जो CRZ से और अंदर है, ये CRZ को और लग के मैंग्रोव के कहीं। अब इस होर्डिंग के पास आप देखेंगे इसके आसपास के सारे पेड़ जो होते थे ना हमारे हरा भरा, वो सब क्लियर है, कोई पेड़ नहीं है और उसको कोई पूछने वाला नहीं कि पेड़ किधर जा रहा है, क्योंकि कीटाणु लग गए और कीटाणु वहीं लगते हैं जहाँ होर्डिंग आती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक होर्डिंग के पास नहीं, अगर आप लोग जाकर, हर मीडिया वाला जाकर अगर पूरे पाम बीच में देखेगा तो हर जगह जहाँ जहाँ होर्डिंग है वहाँ वहाँ ट्री मिसिंग है, झाड़ को काट दिया गया। अब झाड़ को ही बोलता है कि ये गवर्नमेंट को देख लो, वो गवर्नमेंट को देख लो,
महानगर पालिका पिछले 10 साल से कौन चला रहा है? अब जो भी चला रहे, जो अधिकारी देख रहे हैं, वही अधिकारी को देखने का। स्वच्छ भारत अभियान में घन कचरा अधिकारी विभाग, जो घन कचरा विभाग है, उसमें एक ही ऑफिसर लगातार 4 बार बदली होके बार बार वो कुर्सी पे आता है। एक ही ऑफिसर एक ही कुर्सी पे बार बार कैसे आता है, क्यों आता है और कहां से आता है? कि दूसरे कोई ऑफिसर की काबिलियत नहीं है कि वहीं आता है, वही ऑफिसर आ रहा है। स्ट्रक्चरल ऑडिट, वापस से दोहराऊंगा, हर जगह हर बिल्डिंग में हम रहते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट कंपलसरी है। ये लोग होर्डिंग हर बिल्डिंग के ऊपर लगा दे रहे हैं। कोई भी बिल्डिंग के ऊपर आप जाओगे, सानपाड़े में कुछ ऐसी बिल्डिंगों पे जो कि बिल्डिंग टूटने के कगार पे, उस पे वो स्ट्रक्चर लगा हुआ है होर्डिंग। होर्डिंग बनाना फैब्रिकेशन, कितने टन का माल उन लोगों ने ऊपर चढ़ाया है। जब वो इतने टन का माल अगर आप एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट है नहीं है। वो बिल्डिंग में अगर कोई गिर गया, कोई मर गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? नगर पालिका लेगी, एजेंसी लेगी, या कौन लेगा, या उस एजेंसी को जिसका सपोर्ट है वो लेंगे। अब रही बात नगर पालिका की, एजेंसी की, अब सपोज वो होर्डिंग गिर जाती है, कोई चला भी जाता है, कुछ हो जाता है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो जाए, जो आदमी को कुछ हो जाता है उसको इंश्योरेंस हर होर्डिंग के पास कंपलसरी इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर होर्डिंग के पास किसी को कुछ हो जाता है, जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को टॉयलेट की हालत बताया, ये झोपड़ा है, ये सानपाड़ा का है, सानपाड़ा के सिग्नल पे ये हालत है, और उस सानपाड़ा पे ही वो वहाँ का पैसे नहीं आए 5 साल से, उनका टैक्स नहीं भरा गया, एडवर्टाइजमेंट टैक्स जो रौनक ने नहीं भरा, MSRDC नहीं, हर कॉरपोरेशन की पॉलिसी है उनके अंडर में। हाँ हाँ है, उनको टैक्स वो कलेक्ट कर ही रहे सब जगह से, सिर्फ इसी होर्डिंग का इन्होंने 5 साल से टैक्स नहीं लिया है। अब आपको और एक बता दो, सानपाड़ा में एक होर्डिंग लगी है जिधर अभी महानगर पालिका का एड चल रहा है, PWD का होर्डिंग है, वो PWD का अंदर में आती है होर्डिंग। अब उधर क्या है, महानगर पालिका का एड लगा दिया 2 महीना, और 2 महीने के बाद वहाँ फिर कोई उनके क्लाइंट का ऐड हो जाएगा, अब 4 लाख रुपए की जगह बिक गई, वहाँ से उनको PWD से कोई भी उनको वो अलॉट नहीं हुई है जगह। ऐसे कुछ ऐसे होर्डिंग्स है, अगर आपको परमिशन 5 की मिलती है तो आप बना दो, 7 कोई नहीं देखता है। आप सिडको का ले लीजिए, सिडको की कमर्शियल बिल्डिंग है, पार्किंग लॉट है वासी स्टेशन पर, उस वासी स्टेशन पर आप होर्डिंग देख रहे हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 25 होर्डिंग 20 होर्डिंग, इतनी होर्डिंग की आज भी कंफ्यूज हो जाएगी, मैं कौन सा ऐड देखूँ, ये ऐड देखूँ, वो ऐड देखूँ, कौन सा ऐड देखूँ। इतनी कमाने की क्या लालसा है कि आपको पेड़ तोड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतनी होर्डिंग बना रहे हो। अच्छा, तुमने कमाया नवी मुंबई से बहुत कुछ, सब ये एजेंसी वाले बहुत बड़े बन गए नवी मुंबई में। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।